कोई अगर हजारीबाग से रांची वाले रास्ते में गुजरते हैं और झारखंड का प्रसिद्ध ढुसका बर्रा कचड़ी नहीं खाते हैं तो फिर क्या करते हैं। जोहार नमस्कार आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। हजारीबाग अपडेट्स के खास पेशकश, खास प्रोग्राम झारखंड का जायका में आप सबका खूब खूब स्वागत है। आज देख रहे हैं आप, हम लोग हजारीबाग की तरफ से रांची की ओर जा रहे थे और ऐसे में नया मोड़ पर जो है कई दुकानें लाइन से लगी हुई हैं ढुसका बर्रा की, और ऐसे में जो है ये देखेंगे आप कुल्हड़ वाली चाय यहाँ कितनी शानदार और लजीज बिकती है। कई लोग पसंद करते हैं, हमेशा भीड़ भाड़ यहाँ लगी रहती है। दुकानदार से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ काफी ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ आते जाते खाते रहते हैं क्या हमेशा? कैसा लगता है? ठीक लगता है। झारखंड का तो प्रसिद्ध व्यंजन है ये। जी हाँ। जो दर्शक बाहर से भी देख रहे हैं झारखंड के, क्या बोलेंगे उनको, कितना स्वादिष्ट है? बहुत मस्त स्वादिष्ट है, खाना चाहिए गुजरते वाले। जी हाँ। आप भी देख रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं भैया। आप जब भी हम लोग नया मोड़ गुजरते हैं तो यहाँ का ढुसका खाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक राज नाम हुआ। कैसा बनाते हैं भैया? बढ़िया बनाते हैं। झारखंड का स्वाद समझिए इसी में है। हाँ, ये देसी समझिए ढुसका है, माँ का स्वाद आधा आधा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आइए देखिए, यहाँ पे भी भाई साहब है। आप भी, आप नए नए हैं, मुंबई मुंबई के क्या? नहीं, हम हजारीबाग के हैं। अच्छा। और हजारीबाग से रांची हमको जब भी जाना होता है तो नया मोड़ इनका ढुसका हम लोग रोक खाते ही खाते हैं, रोकते ही रोकते हैं। इस लाइन का सबसे फेमस ढुसका वाला है और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, एक नंबर। कैसा लगता है खाने में? जबरदस्त, बहुत अच्छा। झारखंड का तो फेमस है ये, बहुत फेमस है ये झारखंड का। चलिए बहुत शुक्रिया, क्या नाम हुआ? इरफान। चलिए बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अभी देखिए यहाँ जो है तला जा रहा है, सामग्रियों को मिला करके बटर बना के और तला जा रहा है, पकाया जा रहा है और उसमें समझिए कहीं ना कहीं स्वाद डाला जा रहा है। हजारीबाग की कुछ चीज़ें जो हैं व्यंजनों में काफ़ी फेमस हैं, जिसमें से ढुसका बर्रा कचरी, ये चीज़ें तो फेमस हैं। ये देखिए आंटी भी खा रही हैं यहाँ पे। यहाँ आप कहाँ से गुजर रहे हैं? यहीं से हम जा रहे हैं रांची। अच्छा, तो घर आसपास हुआ? हाँ, घर आसपास है। ये पहली बार खा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ये तो हमेशा खाते रहते, बहुत स्वादिष्ट लगता है। सही में? हाँ। तो झारखंड घर में बनाने का झंझट से दूर हो जाते हो? दूर हो जाते हैं, आते हैं खाते हैं, चल जाते हैं पेट भर के। क्या बहुत अच्छा लगता है। मेरा सीता देवी नाम है। क्या क्या इसमें अच्छा लगता है? इसमें ढुसरा कचरी, इसमें जो है छोला बहुत स्वाद लगता है, जो कि छोला मसाला नहीं है लेकिन बहुत स्वाद लगता है खाने में। एकदम प्लेन छोला है? प्लेन छोला है, फिर बहुत स्वाद लगता है खाने में। चलिए बहुत शुक्रिया। तो नए मोड़ के पास अगर आप भी रुक रहे हैं तो जरूर एक बार रुक करके यहाँ पे ट्राई करें। और देखेंगे आप, ये छन चुका है और अब लोगों के प्लेट्स पे ये चला जाएगा। और भाई साहब से भी हम लोग जो है थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखेंगे आप, प्लेन छोला है, इसमें प्लेन छोला है इसमें। और अभी हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे इनसे, कितने दिन से शॉप चला रहे हैं यहाँ पर? यहाँ करीब करीब मेरा 15-16 साल हो गया, जब से ऑनलाइन है। 15-16 साल? जी मैम। तो कितना पसंद करते हैं लोग, कितनी भीड़ हो जाती होगी? करते हैं बहुत, आदमी पटना से आता है यहाँ छोला और ढुसका कचरी खाने के लिए रुकता है पर्सनली। ये चटनी, अच्छा चुपचाप से खाली जो रेसिपी है वो बता दीजिएगा हम लोग को, क्या स्वाद डालते हैं, क्या जादू डालते हैं कि यहाँ जिन लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग। बस भी अभी रुकी हुई है, देखेंगे आप उस तरफ। चावल सूजी का ढुसका कचरी है ये कचरी चना दाल का है, प्याज हरा मिर्च है और इसी में स्वाद जो है आ जाता है, झारखंड का स्वाद आ जाता है। देख रहे हैं आप, इनको एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं है बिल्कुल। इतनी इधर देखेंगे, बस भी रुकी हुई है, कई लोग रुक करके जो है यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं और फिलहाल जो है यहाँ छान रहे हैं। भैया उनसे भी आप एकदम सपोर्ट सिस्टम बन करके यहाँ लगातार छानते जा रहे हैं सारे चीज़ को फटाफट। कितना बिक जाता होगा दिन भर में? बिक जाता है 4-5 केजी चावल, थोड़ा थोड़ा चलाते रहते हैं गरम गरम। पकने की विधि? और बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई मसाला नहीं है, बिल्कुल सादा सादी है। समझिए स्वास्थ्य के लिए भी कहीं से हानिकारक? किसी तरह के कोई हानि नहीं है और इसमें कोई मसाला नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कोई तेल भी सब फ्रेश तेल है। अच्छा, जो बैटर बनाते हैं, जो पेस्ट बनाए हुए हैं, वो कब बनाते हैं और क्या क्या चीज़ मिला के बनाते हैं, कितना देर छोड़ते हैं? इसमें रात में डालते हैं, चावल है इसमें, हल्का उड़द दाल है, चना दाल है इसमें और हल्का सूजी है, दूध है इसमें, दूध से मिलाया जाता है और बस
दो घंटा मिला करके छोड़ दिया जाता है, इसके बाद खाना आ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू हुआ। आपका क्या नाम है भैया? सिकंदर कुमार। जितेंद्र जी, तो देखिए कितना भीड़ भाड़ आपके यहाँ पे लग रहा है एकदम। भीड़ रहता है, मेरे पास आने टाइम भीड़ रहता है। ठीक है, हम लोग दो आदमी हमेशा रहते हैं। अच्छा, दर्शक देख रहे हैं आपको यहाँ से, हजारीबाग से, रांची से, झारखंड से और भी बाहर से, क्या बोलेंगे उनको? हम उनको बुलाना चाहते हैं एक बार, आप मेरे पास एक बार डोसा कचरी खा के देखिए। हमारा एड्रेस हुआ नया मोड़, रामगढ़ जिला। झारखंड का स्वाद लेके देखिए। हाँ जी, हाँ जी, झारखंड का फेवरेट, झारखंड का फेवरेट नाश्ता है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ढुसका बर्रा कचड़ी अगर आपको भी है पसंद या आपने स्वाद अब तक नहीं चखा है, तो आप भी जो है इसकी रेसिपी इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, घर पे भी बनवा के खा सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है बिल्कुल प्लेन जो है बनता है ढुसका बर्रा कचड़ी, और बिल्कुल सादे छोले के साथ, सादे चटनी के साथ, कहीं से कोई केमिकल नहीं रहता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं, क्या आप झारखंडी हैं? और अगर झारखंडी हैं तो जाहिर तौर पर आप भी पसंद करते होंगे। शुक्रिया।